इसको समझते हैं। सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये रहा, ठीक, एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 30 डिग्री गिवन है। हमने बहुत क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन में किए कि अगर एक कोई भी बॉडी है और वो नीचे आना चाहती है, और लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस इस क्वेश्चन में गिवन है वो 1 मीटर गिवन है, 1 मीटर की हाइट गिवन है, तो आपको ये बताना है कि ये चार्ज पार्टिकल जो भी है जिसका मास m है, ये यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगाता है। तो लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, u इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ s, कैसे, साइन 30 इज 1 डिवाइडेड बाय s, साइन 30 इज 1 बाय s, तो साइन 30 हाफ होता है तो s कितना हो गया, 2 मीटर। तो ये समझ में आता है सबको कि 2 मीटर का डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करते हुए इस बॉडी को लेके आना है, और बड़ा सिंपल लॉजिक है क्योंकि s मुझे मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई करेंगे, s 2 मीटर है। अगर कोई मुझे एक्सेलरेशन बता दे तो मैं टाइम की वैल्यू को निकाल दूंगा, ठीक। तो यानी कि मेरे को इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो फर्क इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बस फर्क ये है कि इसमें ये चार्ज पार्टिकल है और ये अगर इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ गिवन है ई वेक्टर, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल क्यू है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बोलो कितना, क्यू ही, क्लियर। और ये एंगल 30 है तो बाकी कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक mg, एक नॉर्मल रिएक्शन, और ये एंगल क्या हो जाएगा 30, तो इसका एक कंपोनेंट वेट का क्या बनेगा, mg cos 30, और एक कंपोनेंट क्या बनेगा, mg sin 30। ये तो हम लॉज ऑफ मोशन में वैसे निकालते ही थे। उसके बाद इसमें एक और फोर्स ऐड कर रही है, और वो कौन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो ये एक और फोर्स आ गई, और एक और फोर्स ऐड कर रही है, और वो कौन है, क्यूई। अब प्रॉब्लम ये है, हमें तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस चाहिए ताकि हम नीचे आने की क्या निकाल सकें, एक्सेलरेशन। तो इसमें काम करते हैं, ये 30, तो ये 30 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं ये, तो क्यू ई का एक कंपोनेंट ऊपर ऐड करेगा, क्यू ई कॉस 30, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ऐड करेगा, क्यू ई साइन 30। तो क्यू ई कॉस 30, क्यू ई साइन 30, फोर्सेस क्लियर है, ठीक। एम जी के तो 2 कंपोनेंट हम +1 से करते ही आए हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हम करते ही आए हैं, बस एक फोर्स और है, वो है क्यू ई, जो पीछे की तरफ एक्ट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका भी हमने क्या बना लिए, कंपोनेंट्स। वैसे तो हम ये भी करते आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह हमने कई बार सूडो फोर्स जरूर ली इसमें, एम इन टू ए, उसके कंपोनेंट बनाया करते थे, बट इन एनी केस ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन एन किसके इक्वल आएगा, एग्जैक्टली जो इसके ऑपोजिट फोर्सेज हैं ये रही। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन, इसमें एम जी कॉस 30 नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसमें एम जी कॉस 30 प्लस क्यू ई साइन 30, एन के ऑपोजिट ये रहा, एम जी कॉस 30 प्लस क्यू ई साइन 30, एन आ गया मेरे पास। और क्योंकि ये बॉडी नीचे आ रही है, और क्योंकि ये बॉडी नीचे आ रही है तो नीचे आने की फोर्स कौन सी फोर्स है जो इसको नीचे लेके आ रही है, एम जी साइन 30। कौन अपोज कर रहा है, म्यू इंटू एन और क्यू ई कॉस 30। अब क्योंकि ये नीचे आ रही है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, तो एम जी साइन 30, एम जी साइन 30 माइनस ऑपोजिट फोर्सेज माइनस क्यू ई कॉस 30 माइनस म्यू इंटू एन मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर ये इक्वेशन बन गई, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूरी की पूरी यहां से उठा के यहां रिप्लेस कर दिया ब्रैकेट में, ये देखो, तो ये इक्वेशन बन गई। आपके इस क्वेश्चन में मास पता है, आपको इस क्वेश्चन में जी पता है, साइन 30 पता है, चार्ज पता है, ई पता है, म्यू पता है, सब कुछ पता है एक्सेप्ट ए। तो आराम से बैठ के घर पे सॉल्व करना, सारी वैल्यूज पुट करके ए आ जाएगा 2.32। उसके बाद अप्लाई कर लेना s इज ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर और u की जगह 0, s 2 है और यहाँ से टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये जो क्वेश्चन है ना तो ये एनसीईआरटी का में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में टिपिकल प्लस टू का क्वेश्चन ही आता है, प्लस वन के साथ मर्ज करके नहीं आता कभी भी। मेंस और नीट के लिए लंबा है तो वैसे ही बहुत लंबी कैलकुलेशन है, बट इसको छोटा करके कुछ भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन वाइज चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कैसे करेंगे। ठीक, ये होगा नहीं एक दो मिनट के अंदर, ये पक्की बात है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे लगेंगी फोर्सेस, बस उतना ही जरूरी है। ठीक, एक ये क्वेश्चन है, हमने बहुत बार इस चीज की डिस्कशन की कि अगर मान लो एक डायपोल है वो इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, मैं इसको हिला देता हूं बाय द एंगल ऑफ थीटा और छोड़ देता हूं, तो अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम में टेन करने की कोशिश करेगा, पर क्योंकि इसके पास एंगुलर मोशन है तो रुक नहीं पाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम में टेन करने की कोशिश करेगा, मोशन की वजह से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली इसकी मोशन ये रहेगी, ये रही, रुकेगा नहीं कभी भी ऐसे आके ऐसे, और प्रैक्टिकली ये रहा, प्रूव करो कि ये मोशन किसमें है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और जिसका टाइम पीरियड हमें प्रूव करना है, यही क्वेश्चन है कि ये दो चार्जेस डायपोल है, डायपोल इनिशियली इक्विलिब्रियम में ऐसे पड़ा हुआ था, पर मैंने उसको छोटा सा एंगल थीटा, स्मॉल एंगल डिस्प्लेस किया थीटा और इसको छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली ये जो है ये इस तरीके से नीचे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे मूव करेगा, तो प्रूव करो इसका टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है वो इसके इक्वल है। एक्चुअल में क्या हुआ, शीट नंबर, ये शीट आपको मिली होगी आज, चेक करो, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं शीट नंबर 10 का प्रिंट आउट लेंगे तो आधा जो क्वेश्चन का पार्ट है वो शीट नंबर 10 के पीछे प्रिंट हो गया, होना चाहिए था पिछली शीट में, हो इसके पीछे गया। ठीक है, तो प्लीज इस शीट को ओपन करो जिस पे ये डायग्राम है, मिल गई नहीं शीट, इसके पीछे वाला पेज निकालो, ये रहा, तो अब ये घर जाके आराम से रजिस्टर में लिख लेना कि वो आधा इधर हो गया आधी दूसरी शीट में हो गया, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो इसके इक्वल है, प्रूव करो, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डायपोल, मिल गया ये, तो आधा वो क्वेश्चन है आधा ये क्वेश्चन है, तो ऐसे हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन है, ठीक, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम प्लस वन में करके आए हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि क्योंकि इस टाइप की जो मोशन है, इस टाइप की रोटेशन है, और अगर वो SHM है, इस टाइप के SHM को एंगुलर SHM बोलते हैं। दो टाइप के SHM होते हैं, एक टू एंड फ्रो मोशन लीनियर SHM है, और जिसमें एंगल्स डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसको एंगुलर SHM बोलते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है एक एंगुलर SHM है और एक लीनियर SHM है। लीनियर SHM में SHM की इक्वेशन है एक्सेलेरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, फिर वाई इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर के अंदर क्या होता है, ए की जगह अल्फा, वाई की जगह थीटा, तो यहां पर अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके अंदर क्या ढूंढी जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स, एंगुलर के अंदर क्या ढूंढी जाती है, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्लियर यहां तक भी? तो इसके अंदर जैसे एग्जांपल है, पेंडुलम है, पेंडुलम को थीटा एंगल डिस्प्लेस किया, वेरी स्मॉल एंगल, वाई डिस्प्लेसमेंट है इसकी लीनियर, एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, इसका वेट एम जी है, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट एम जी कॉस एम जी साइन, तो कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स इस पेंडुलम को नीचे लेके आ रही है, फोर्स बोला मैंने क्योंकि मैं लीनियर SHM से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आंसर आएगा माइनस, माइनस का मतलब रिस्टोरिंग, माइनस एम जी साइन थीटा। एंगल क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं पेंडुलम में, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, और फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास से मास कैंसिल, एक्सेलेरेशन। एंगल थीटा क्या होता है, वाई बाय एल, आर्क बाय रेडियस, तो यहां से यही क्वेश्चन आएगी, साफ पता लग रहा है कि लीनियर SHM है, इसको लीनियर SHM की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा 2 पाई बाय टी है, क्या से टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। ठीक, ये हमने NCERT के अंदर भी डराइव किया था प्लस वन में, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर मैं एंगुलर SHM से करूं, फिर से एक बार देखो, ये पेंडुलम है, ये रोटेट कर रहा है, अब ये देखो ये रोटेट कर रहा है, और रोटेशन का जो एक्सिस है वो क्या है,
ये पॉइंट है, इसके अबाउट रोटेशन है, तो ओ पॉइंट के अबाउट रोटेशन है, और मैं सेम प्रूव करना चाहता हूं बाय एंगुलर एसएचएम, तो मुझे क्या ढूंढनी चाहिए? रिस्टोरिंग टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो मान लो थीटा डिस्प्लेस किया ये एल, तो ये थीटा, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा। फोर्स कितनी है? एम जी, और ये इसका एक्सिस है। तो इमेजिन करो इस एम जी के वेक्टर को डॉट 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 ऊपर लेके जाते हैं, तो एम जी फोर्स वाई एक्सिस में है, तो डिस्टेंस किस एक्सिस में होगा? एक्स में। तो जहां ये डिस्टेंस मिलेगा ऑब्वियसली एल साइन थीटा ही होगा इसमें, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा क्या हो जाएगा? टॉर्क, और क्योंकि रिस्टोरिंग है साइन माइनस लगेगा। टॉर्क क्या होता है? आई टाइम्स एल्फा, ये पुट कर लिया, और एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, और आई पॉइंट मास के लिए ये इसका एक्सिस है तो एम एल स्क्वायर, आई की जगह एम एल स्क्वायर, एम एल कैंसल, तो ये वैल्यू आ गई, और पता लग रहा है कि ये एंगुलर एस एच एम में प्रूव हो गया। एल्फा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू थीटा, तो इसको एस एच एम की इक्वेशन से कंपेयर करके ओमेगा आता है, ओमेगा 2 पाई बाई टी, आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। इस क्वेश्चन का या इस पूरे टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है प्लस, इसका प्लस टू से, सिर्फ एक रिवाइंड वापस लेके गया हूं मैं प्लस वन में कि ऐसा कुछ हम किया करते थे। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, इसको लगा के देखते हैं, ये रहा, तो सिर्फ रिवीजन है वो। तो हमने क्या किया, हमने उस डायपोल को थीटा एंगल घुमा दिया, तो हमने क्या लगाया होगा घुमाने के लिए? टॉर्क। हमारा टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? पी ई साइन थीटा। जब उसे छोड़ दोगे थीटा एंगल पर तो वो अपने आप वापस आएगा, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू का टॉर्क डेवलप हो जाएगा, लेकिन विद साइन नेगेटिव, क्योंकि वापस आने के टॉर्क को क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। जो मैंने घुमाने के लिए लगाया था वो क्या था? डिफॉर्मिंग टॉर्क। उसको हिला दिया तो वो पी साइन थीटा, उसको छोड़ दिया माइनस पी साइन थीटा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर इतना रिस्टोरिंग टॉर्क है और एंगल स्मॉल है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। टॉर्क क्या होता है? आई टाइम्स एल्फा, और पी क्या होता है? पी होता है क्यू इंटू टू ए। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्यू, इन दोनों चार्जेस में डिस्टेंस 2a नहीं गिवन, दोनों चार्जेस में डिस्टेंस 2a की जगह l गिवन है, तो p की वैल्यू इसमें q इंटू 2a नहीं होगी, q इंटू l होगी। तो आप चेक कर सकते हो p की जगह क्या पुट किया? q टाइम्स l, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ से ये जो वैल्यू है ये आ गई, एल्फा एक तरफ i, इसके नीचे एल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा विद नेगेटिव साइन, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो पता लग रहा है ये एंगुलर एस एच एम में आ चुका है। इसके नीचे एंगुलर एस एच एम की इक्वेशन लिखो, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा निकाल लो, ओमेगा 2 पाई बाय टी होती है, टाइम पीरियड की वैल्यू यही प्रूव करनी थी, जो हमने अभी प्रूव करना था वो ये इसकी वैल्यू है। तो ये एंगुलर एस एच एम का इसका लेना देना है। तो एंगुलर एस एच एम में रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे निकलेगा ये बाय एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है, आई अल्फा से ओमेगा आएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड आएगा। बोलो प्लस वन में, हाँ कर सकते थे, सारे नहीं, सारे नहीं, जो रिस्टोरिंग टॉर्क से आसानी से हो जाते हैं वो रिस्टोरिंग टॉर्क से ही है, 90% रिस्टोरिंग टॉर्क से होते हैं। वो जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है एसएचएम में प्रूव करना, वो तब लगता है जब कोई बॉडी रोल कर रही होती है स्प्रिंग के साथ, रोलिंग अनरोलिंग उसमें लगता है, राइट। तो मतलब जब रोलिंग वाला केस है ना उसमें ज़्यादा कामयाब है वो, हर में नहीं, वो एसएचएम करना पड़ेगा। जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्लस वन का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लोग कंफ्यूज ना हो कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि जो उसने किया हुआ है वो मुझे मालूम है और उसको मालूम है, बाकी सिर्फ ये देखें एक मिनट के लिए, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है, प्लस वन के अंदर एसएचएम किया था तो एनर्जी से भी एसएचएम प्रूफ होते थे एक्चुअल में। तो पूछ रहा है क्या एनर्जी से भी हो सकता है, तो मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क से आराम से हो रहा है, ठीक। तो वो सब्जेक्टिव शीट नंबर 3 क्लोज होती है। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ प्लीज आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। और ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट डाउट, किसने तुमने पूछा था? हाँ तुमने पूछा था क्वेश्चन है, तो मैंने नोट कर लिया। तो ऐसे जितने जितने क्वेश्चन आते जाते हैं व्हाट्सएप पे भी सेंड करते रहते हैं लोग, तो अगर जो ठीक लगते हैं वो मैं इसमें डाल दिया करता हूँ। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर निकालो, ठीक।
कितने लोग हैं जिनको व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव नहीं हुआ कल या परसों, जैसे वो टेस्ट का या कुछ भी नहीं हुआ? अपना फ़ोन नंबर एक बार वेरीफाई हो, मुझे देके जाना है अपने नाम के साथ, क्योंकि व्हाट्सएप पे SMS आते हैं। मैं ग्रुप नहीं बना रहा हूँ इस बार, नॉर्मली लास्ट ईयर मैंने ग्रुप बनाया था पूरा सभी सभी बैचेस का। ग्रुप में ही प्रॉब्लम है, लोग पोस्ट करते रहते हैं सारे लोग खोल खोल के देखते हैं और डिस्टर्ब होते रहते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे बहुत डिस्टर्ब है। और पेरेंट्स भी क्योंकि बीच में पार्ट होते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ कभी कभी। तो कई लोग 3 बजे कोई डाउट डाउट बताना सर, मतलब ऐसा भी हो जाता है, तो भाई 3 3 2 2 बजे मत डाउट पूछो यार, ठीक। मैं लिखता भी होता था उसमें, तो मत पूछना। तो इस बार मैंने ब्रॉडकास्ट का ग्रुप बनाया हुआ है, तो ग्रुप मेरे पास है, तो मैं जब सबको सेंड करूंगा, सबको मालूम है कि सबके इंडिविजुअल मेरे नंबर से SMS आएगा या व्हाट्सएप आएगा। आपको कुछ अगर पूछना है तो उसी मेरे इंडिविजुअल नंबर के ऊपर आपका मैसेज वापस आ जाएगा, ठीक। SMS भी आएंगे, जो व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहे वो SMS के लिए नंबर देके जाएं, और जो कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पे भी कर दें, SMS पे भी कर दें। अपना नंबर प्लीज़ देके जाना है जो आप ऐड करवाना चाहते हो, ठीक, नहीं तो मिस करोगे इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो प्लीज़। कल का टेस्ट का मैं SMS ड्रॉप करूंगा, जिसको नहीं आएगा मेरे से पूछ लेगा। वैसे स्लॉट्स बनाने वाले हैं, सुबह 10 बजे स्टार्ट होंगे, 10 से 11, फिर 11 से 12, 12 से 1, 3 4 स्लॉट होंगे, कल 4 स्लॉट बनाएंगे हम, तो आप 2 बजे तक चलेगा, किसी भी एक स्लॉट में आना है आपने, ठीक है। तो कल मल्टीपल स्लॉट्स हैं, कल ओपन ही हमारा इंस्टीट्यूट शाम तक, तो 10 से लेके 2 के बीच में मैं इसको करवाऊँगा कंडक्ट, ठीक है। तो मैं शाम को SMS करूँगा आपको अपने नंबर पर, नंबर वेरीफाई करके जाने हैं अपने नंबर। जिनको SMS नहीं आया पिछली बार भी, तो वो प्लीज़ एक बार जो है टेस्ट का SMS भी किया था फर्स्ट टेस्ट से पहले मैंने, तो वो तो SMS आया था, वो भी नहीं आया, तो प्लीज़ आपके नंबर जरूर, फिर दिक्कत है नंबर्स में, नंबर एक बार चेक करो, मैं मंगवा देता हूँ नंबर से एक बार, आप प्लीज़ वेरीफाई करके जाना।
इस क्वेश्चन के अंदर टू चार्ज स्फेयर्स, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल, आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी विच इज लेस देन एल अपार्ट. कहने का मतलब ये कह रहा है कि दो मासलेस स्ट्रिंग्स हैं, मास एम है, चार्ज क्यू है, मास एम है, चार्ज क्यू है, चार्ज पार्टिकल ऐसे बोल लो, चलो सिमिलरली चार्ज पार्टिकल. इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? डी. ठीक है. और ऐसा क्यों है वो कह रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम में, तो पहली स्टेटमेंट समझ में आती है. और ये समझ में नहीं आता रादर, इसने ऐसे क्यों बोला कि जो L की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है D से, इसको शायद बीच में यूज करने को कहेगा. तो डायग्राम क्लियर है. वो ये कह रहा है, दी चार्ज बीइंग लीक्ड फ्रॉम बोथ दी स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट. कह रहे धीरे धीरे इन दोनों स्फीयर्स का चार्ज लूज होता जा रहा है. और कैसे लूज हो रहा है? डी क्यू बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जाता जा रहा है इन टाइम डी टी, और ये जो रेट है दिस इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, यहां तक तो कॉन्स्टेंट रेट से ये लूज होता जा रहा है. अगर चार्ज कम होता जा रहा है, वो कहां गया हमें मालूम नहीं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम होती जा रही है और ये पेंडुलम धीरे धीरे पास आ रहे हैं. ठीक है, यहां तक. किसी भी इंस्टेंट पर क्या हुआ, डी डिस्टेंस तो हमेशा रहेगा नहीं, चार्ज अगर निकलता जा रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस सपोज कितना हो गया, एक्स. एक्स इज ऑब्वियसली लेस देन डी. तो मान लो पहले डिस्टेंस कितना था डी, चार्ज लीक होता जा रहा है और वो डिस्टेंस कितना हो जाता है, कम 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 हो रहा है, और सपोज एक्स. ठीक है, यहां तक. तो अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी वी से चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं पास, वो वेलोसिटी एक्स के साथ कैसे रिलेटेड है. ठीक, जो वेलोसिटी है पार्ट इन बॉब्स की, वो एक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो समझ में आ गया एटलीस्ट कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. चार्ज लूज होगा तो फोर्स कम होगी तो पार्टिकल्स पास आएंगे. ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सपोज किसी भी इंस्टेंट पे डिस्टेंस कितना रह गया इनके बीच में, एक्स. एक स्नैपशॉट ले लिया एक्स, बाकी कहानी सेम है एट एन एंगल ऑफ थीटा. सपोज थीटा भी चेंज हो रहा है, टी थीटा थीटा याद है स्ट्रिंग्स के अंदर सेम हो जाता है, तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और वेट एम जी है, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ ई. इक्वेशन वही रहेगी कि टी कॉस थीटा एम जी टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ ई. वो अलग बात है कि थोड़ी देर में एफ ई कम हो गया तो टी भी कम हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम इसी तरीके से चलता रहेगा. ठीक, तो ये दो इक्वेशंस क्लियर है जैसे हम हमेशा बनाते हैं. फिर एफ ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर. ये भी क्लियर है इक्वेशन नंबर टू. तो इक्वेशन नंबर वन क्लियर है, इक्वेशन नंबर टू क्लियर है. 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू दिस डिवाइडेड बाय mg, ये वैल्यू क्लियर है. ठीक है, यहां तक. tan थीटा देखो, tan थीटा इज इस ट्रायंगल में x by 2 डिवाइडेड बाय, अब ये l है ये x by 2 है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस x by 2 का होल स्क्वायर. तो ये tan थीटा क्या होगा, x by 2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म दैट इज अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4. tan थीटा पुट कर दिया यहां पे, डाउट इसमें tan थीटा आ गया. उसने क्या कहा था, L D से बहुत बड़ा है, L D से बहुत बड़ा है. अब X जो है वो D से छोटा है क्योंकि D तो इनिशियल सेपरेशन था, अब तो X हो गया, तो यानी कि L X से भी बहुत बड़ा है. L तो D से भी बड़ा था और X D से छोटा है, तो ऑब्वियसली L X से भी बहुत बड़ा है. ठीक है, यहां तक. तो D और X तो एक ही बात है, D और X तो कोई दिक्कत नहीं है, तो L तो बहुत बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में L इज वेरी मच ग्रेटर देन X, ऑब्वियसली गिवन तो D है पर X ले लिया हमने, तो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड. L के मुकाबले ये गया, इसको उड़ा दो तो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर, L स्क्वायर का अंडर रूट L, तो यहां से 2 नीचे चला गया, तो क्या बचा यहां पर, X डिवाइडेड बाय कितना, 2L. बाकी राइट हैंड साइड सेम है, सब कुछ कांस्टेंट है. एक आपने Q लेना है और एक आपने X लेना है,
एक्स चेंज हो रहा है, चार्ज भी चेंज हो रहा है, तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, टू कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, एम जी सब कॉन्स्टेंट, तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू पावर 3/2। ठीक, पर मुझे तो वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे टाइम से क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी, और राइट हैंड साइड पे डी बाई डी टी लगेगा, तो डिफरेंशिएशन करो 3/2, एक्स रेस टू पावर 3/2 माइनस वन इज हाफ इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी वी, और मुझे वी निकालना है। अब डी एक्स बाई डी टी जो रेट है इज अ कॉन्स्टेंट, डी क्यू बाई डी टी तो कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में मैंशनड है, तो इसकी जगह क्या लिख लिया, कॉन्स्टेंट, ये तो खुद कॉन्स्टेंट है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू पावर हाफ, ठीक, और x ऊपर आएगा तो एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ। ठीक, मालूम है ये क्वेश्चन किस कंपटीशन में आया, किस में आया, नीट में आया, चेक कर लेना, मेंस में नहीं आया। हाँ, ये क्वेश्चन नीट में 3 साल पहले आया है, पता नहीं किसने क्यों और कैसे और कहाँ से डाल दिया उठा के, बट डला हुआ है तो डला हुआ है, तो हमने भी कर लिया, तो फायदा भी है, आजकल तो मेन्स ऑनलाइन है, और ऑनलाइन पेपर में एक फायदा भी और नुकसान भी है। फायदा, नुकसान ये कंप्यूटर सेलेक्ट करके देगा, अब कंप्यूटर कभी कभी थर्मो के अंदर, मैंने बोला था 4 क्वेश्चन दे देता है, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक ही दे पाता है, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में 4 दे देगा और थर्मो के अंदर एक दे देगा, उसकी मर्जी है यार उसको कैसे सिलेक्ट करेगा। तो कई लोग बोलते हैं कि +1 थोड़ी ज़्यादा आ गई, कई बोलते हैं मेरे सेट में ये ज़्यादा आ गया, ऐसा थोड़ा थोड़ा रहता है। दूसरा फ़ायदा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सेट बनते हैं अब आजकल ऑनलाइन, अगर एक साल में सिर्फ 30 ही क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो 30 के 30 ओरिजिनल बनेंगे। अब मेंस 4 बार होना है, फिर सेकेंड राउंड में फिर 4 बार होना है, फिर पिछली बार भी हो चुका, यार कोई लिमिट है क्वेश्चन बनाने वाले की भी, तो 100 100 क्वेश्चन बने जा रहे हैं। अब 100 क्वेश्चन देने का मतलब कि अंदर कम से कम नहीं तो 1000 क्वेश्चन रखा होगा, जो प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, है ना, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी तभी सिखाते हैं कि रिपीटिशन ना हो, तो यानी कि वो डेटाबेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि वो डालते ही जा रहे हैं उस बैंक में, डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं क्वेश्चन, डालते ही जा, कहाँ से डाल रहे हैं, किताबों से ही डाल रहे हैं ना, तो ये किताबें तो है, तो क्या पता ये भी कभी डल जाए पुराने पेपर में से और उठ के किसी के सेट के आगे आ जाए। तो पुराने पेपर भी करने चाहिए, बुक्स भी करनी चाहिए प्रैक्टिस। तो बहुत बार, अब 2019 का पेपर देखोगे ना, आपको 2 3 क्वेश्चन एज इट इज बुक में से मिलेंगे, एज इट इज स्टेटमेंट, एज इट इज ऐसे, तो बहुत ऐसे चांस है, बहुत ही ऐसा चांस है। तो बेसिक क्वेश्चन तो बहुत रिपीट होते हैं, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको हमेशा करने चाहिए।